29 नवंबर को छात्रों का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बिहार में बीपीएससी को लेकर। इस बार बीपीएससी में पेपर आउट नहीं हुआ भले ही, लेकिन जो कट ऑफ गया वो अकल्पनीय था। इतना बड़ा कट ऑफ, इतना हाई कट ऑफ किसी ने उम्मीद नहीं किया गया था। इसे लेकर छात्रों का एक डेलीगेट जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से उनकी मुलाकात भी हुई और उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि बीपीएससी का जो पेपर होगा, मतलब जो कट ऑफ होगा, माफ़ कीजिएगा, उसे कम किया जाएगा और अधिक छात्रों को फिर से मेंस में बैठने का, मेंस की परीक्षा लिखने का जो मुख्य परीक्षा होता है, मौका मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और अब इसे लेकर छात्र जो है वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं 29 नवंबर को। आपको याद होगा कि 8 मई को पेपर आउट हुआ था और 9 अगस्त को बिहार की सरकार बदली थी, मतलब 3 महीने के बाद, और 8 मई के बाद 9 या 10 मई, मुझे तारीख एग्जैक्टली याद नहीं है, बिहार के तब के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि बीपीएससी यानी बिहार पेपर लीक सर्विस कमीशन हो चुका है, पेपर लीक जहां पे हो जाता है, प्रश्न जहां से लीक हो जाते हैं, ये बातें कही गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा। हालांकि अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं है और बिहार में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आरजेडी कार्यालय के हम बाहर मौजूद हैं, जरा दिखाइए तस्वीर, ये पोस्टर, और वो जरा गेट भी दिखाइए। आरजेडी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और हम यहाँ पहुँचे थे कि हमारी बातचीत हो सके बीपीएससी संदर्भ में, बीपीएससी मुद्दे को लेकर हमारी बातचीत हो सके, ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सके कि आखिरकार आरजेडी का इसमें क्या रुख है। देखिए, मसला ऐसा है कि तेजस्वी यादव जो है वो 2020 का विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़े थे, आपको याद होगा 2020 का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया और जैसे ही उनकी सरकार बनी बिहार में, यानी 9 अगस्त को जब उनकी सरकार बनी बिहार में, उसके बाद लगातार 16 तारीख को कैबिनेट का शपथ होता है तमाम मंत्रियों का, और तब से लगातार ये बातें उठती रहीं कि 10 लाख रोजगार की बात जो तेजस्वी यादव किए थे उसे कितना पूरा किया जाएगा। पूरा होते हुए तो बिहार में नहीं दिखा अभी तक। नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है, 2018 की बहाली, 2019 की बहाली, उसका नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है, लेकिन रोजगार कितना दिया गया ये सबसे मुख्य प्रश्न है। युवा नेता है तेजस्वी यादव, युवाओं की सरकार है बिहार में, लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी में 113 कट ऑफ जाता है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके ना तो अभी बिहार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव और ना ही तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी विधायक, मंत्री या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों का दर्द समझ सके जो मेंस में छट गए। ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मेंस लिखने के लायक भी होंगे, लेकिन वो लोग छट जाते हैं और कट ऑफ 113 का 113 ही है अभी तक, एक नंबर भी यानी 112 भी नहीं किया गया है। आगे क्या किया जाएगा इस पर भी रुख अभी तक बीपीएससी आयोग का साफ नहीं है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो पार्टी जो लगातार बातें कर रही है रोजगार की, बातें कर रही है युवाओं की, युवा उप मुख्यमंत्री भी है बिहार के, आखिरकार बिहार में युवाओं की कौन सुनेगा। देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने तो दरअसल 20 लाख नौकरियों की बात कही थी। तेजस्वी यादव 10 लाख ही कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार 20 लाख नौकरियों की बात कर बैठे थे, आपको याद होगा। नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर में आज जश्न मनाया जा रहा है, उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जो 3,20,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 3,20,000 बहुत बड़ा फिगर होता है, कई विधानसभा के रिजल्ट तय कर देते हैं ये आंकड़े, उनका क्या? और जरा एक बार दिखाइए, इस पर लिखा है कि एक ही लक्ष्य एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। तो राष्ट्र का गौरव बिहार कैसे बनेगा जब 8 मई को पेपर आउट होता है, 17 तारीख को रिजल्ट आता है, रिजल्ट 113 चला जाता है, अप्रत्याशित कट ऑफ रहता है, अमरेंद्र कुमार का प्रकरण चल रहा है, भाई 7 साल से बैठे हुए हैं आयोग में, 3-3 साल पर ट्रांसफर पोस्टिंग होना होता है, ना उनका ट्रांसफर हो रहा है और ना ही तो कहीं उनका पोस्टिंग ही हो रहा है। छात्र नेता दिलीप लगातार अपना नरेटिव जो है वो फाड़ रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है ये बड़ा सवाल है। हमारे रिपोर्टर आदेश पुरी लगातार इस पर खबर कर रहे हैं, हम पार्टी कार्यालय गए थे, हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रवक्ता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इस पर बात करने को तैयार नहीं है बीपीएससी मामले पर कि आखिरकार क्या करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। कल दिल्ली से लौटे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने,
कि केंद्र द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा। भाई फंड नहीं दिया जा रहा है वो एक अलग समस्या है, लेकिन बीपीएससी पर आप क्यों चुप हैं तेजस्वी यादव, ये सवाल है और ये बड़ा सवाल है जो हम पूछेंगे। हम अभी बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे और वहाँ पर भी बीजेपी के नेताओं से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी इस पर चुप क्यों है। 8 मई को तो वो सत्ता में थी, तब उनकी चुप्पी समझ में आती है। आज वो विपक्ष में है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुप क्यों है। लेकिन आरजेडी कार्यालय के बाहर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आरजेडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और लगातार हमारा ये प्रयास है कि हम यहाँ के नेताओं से, राष्ट्रीय जनता दल से बात कर सके, उनके नेताओं से बात कर सके कि जिन युवाओं की बात करके, जिन बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर 2020 में बिहार ने आपको सबसे बड़ी पार्टी बना दी, आज उन युवाओं के साथ बिहार का सबसे युवा नेता तेजस्वी यादव क्यों नहीं स्टैंड ले रहा है। इस सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं और इस पर लगातार कवरेज जो है वो तो बिहार टॉप की बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।